उठ गई महफिल। फिल्मी गीत फिल्म सुनिएगा। आदरणीय जयराम आचार्य जी उपस्थित हैं। खास तौर से मैं देख रहा हूं कि यहाँ कीर्तनकार लोग बहुत हैं। मैं दादा के श्री चरणों को नमन करके मैंने इस गीत को लिखा है। और आज अच्छा ये है कि दादा के चिरंजीव मेरे अनुज आज इसका जवाब लिखेंगे। आइए गीत को शुरू करते हैं। बजरंगबली का दरबार है लेकिन मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, लेकिन दूर जाके फिर नजदीक आने की कोशिश करूंगा बाबा बजरंगबली के बाद। कितारा मंदो कैसे कैसे कि पांच कुंवारी है ये पांच कुंवारी है पांच कुंवारी है ये पांच कुंवारी है।
पांचो शादी शुदा ये हो ये पांचो शादी शुदा और महतारी है ये फिर भी पांचो शादी शुदा और महतारी है ये पांच कुंवारी है ये पांच खास बात और है एक से ज्यादा मर्दों क्या एक से ज्यादा मर्दों की प्यारी है ये पांचो एक से ज्यादा मर्दों की प्यारी है ये पांच कुंवारी है ये पांच दूसरा टुकड़ा सुनेगा कि विष्णु की लक्ष्मी और मां सरस्वती भैया जी आदरणीय राज्यपाल जी सुने ध्यान से टुकड़े को विष्णु की लक्ष्मी और मां विष्णु की लक्ष्मी और मां सरस्वती रक्षा करती सदा देवी तिहुलों की तीनों लोग की क्या बात लेकिन कृष्ण की साधिका कृष्ण की साधिका तो मिली राधिका क्या बात है देखिए गीत का मैंने निर्णय तब किया जब मैंने पीछे देखा इधर जो परीक्षक है हमारे हरेंद्र सिंह जी और राधिका रानी तो मैं निवेदन करता हूँ कि राधिका जी यहाँ खड़ी बैठी हूँ हरेंद्र भैया बैठे हूँ मान सिंह भैया बैठे हूँ विष्णु की लक्ष्मी और मां सरस्वती रक्षा करती सदा है यदि कृष्ण की साधिका तो मिली राधिका तो कहां एक भूलों की एक गोलों की गिनती करिएगा यहाँ भैया लोग विष्णु की लक्ष्मी और मां सरस्वती रक्षा करती सदा है ये कृष्ण की साधिका तो मिली राधिका तो मिली राधिका एक एक भूलोक की एक गोलोक की चारों संतान हीना ये क्या बात है कभी पुत्र नहीं हुआ चारों संतान हीना बिचारी है ये चार नारी है ये चार नारी है चार नारी है ये चार नारी है सारी दुनिया की फिर भी महतारी है चारों के पुत्र नहीं है चार नारी है ये चार नारी है सारी दुनिया की फिर भी महतारी है तो चार नारी है ये चार नारी है ये
टुकड़ा और सुनेगा। पांच नारी है, चार नारी है, एक टुकड़ा और सुनेगा। राम आजाद जी की एक बार तालियां होनी चाहिए। देखिए आदरणीय हमारे दयाराम आजाद जी जो मेरे छोटे भाई हैं, कीर्तन जगत में इनको कलम का जादूगर माना जाता है। जब से ये लिखने लगे हमने लिखना बहुत कम कर दिया। क्या बात, क्या बात। और हमारे आदरणीय चंद्रकरण प्रजापति जी और दयाराम आजाद जी दोनों की ओर से, दोनों हमारे छोटे भाई हैं। दयाराम आजाद जी तो कीर्तन से हमारे बचपन से साथी हैं। चंद्रकरण प्रजापति जी आपसे मुझे विशेष स्नेह है। वो स्नेह का एक कारण यह है क्योंकि आपके नाम में भी चंद्र लगा है। आइएगा तो थोड़ा चंद्र की ओर भी बढ़ जाए। तीसरा टुकड़ा सुनिएगा संजय भैया, ये भी कशिश मीडिया के लिए उपहार में भी दे रहा हूं इस गीत को। कि वीर बजरंग बली वीर बजरंग बली और कन्हैया छली कृष्ण चंद्र वीर बजरंग बली और कन्हैया छली दास कबीरा स्वयं छाप भी बन गए। गिनती करिएगा वीर बजरंग बली और कन्हैया छली दास कबीरा स्वयं छाप भी बन गए। चाह भी कर लिए अब ब्याह भी कर लिए तीनों ने, चाह भी कर लिए ब्याह भी कर लिए सारी दुनिया कहे बाप भी बन गए। कन्हैया भी बाप बन गए, बजरंग बली भी बाप बन गए, कबीरदास जी भी बाप बन गए। सारी दुनिया कहे बाप भी बन गए। चंद्र तीनों मगर, चंद्र तीनों मगर पंखधारी है। और मोर का पंख जो धारण कर ले, चंद्र तीनों मगर पंखधारी है। तीनों ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है। पांच नारी है, चार नारी है, अति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है। साथ में तीनों रखते
साथ में तीनों ही रखते नारी है ब्रह्मचारी जवाबी में ये साउंड सर्विस पहली बार लगा होगा। हर फन का अपना अलग अलग मतलब होता है, इसलिए महानुभाव आप हमारे आमने सामने रहे हैं। चूंकि समय बहुत कीमती है और यहाँ मैं पहले भी कह रहा हूं, यहाँ श्रोता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय लालचंद दीक्षित जी, संकीर्तन मंडल खरेला। आपके बारे में ज्यादा कुछ कहना, कहने की मैं क्षमता नहीं रखता हूं। 12:40 हुआ है, सामान्य क्रांति माला संकीर्तन मंडल कानपुर को मैं 12:45 पर यह कार्यक्रम आपके हवाले कर दूंगा। केवल 5 मिनट में कुछ औपचारिकताएं और करते हुए मैं यह कार्यक्रम, जो मेगा स्टार जवाबी का कार्यक्रम भाई चंद्रकरण जी और आयोजक मंडल के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, वो आपके बीच हवाले करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, कलाकार वो है जो विषम परिस्थितियों में काम कर जाए, कलाकार वो नहीं है जो सफल परिस्थितियों में काम कर जाए। परिस्थितियां जैसी हो, पर मैं ये बात आज दावे से कह सकता हूँ कि आज समंदर के बीच से एक नूर को निकलना पड़ेगा, समुद्र के बीच से आज एक नूर को निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसे सवाल और ऐसे जवाब आए रात भर, तो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक होना पड़ेगा, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक होना पड़ेगा, चाहे साउंड सिस्टम रहे या न रहे। माँ की वंदना मैं 4 लाइनों में मैं भी कर लूं, चूंकि मैं भी उस कलाकार की श्रृंखला में कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ हूं कि पलक झुके, चूंकि यहां से बंधन अभिनंदन हुआ है, एक भक्ति भाव में बंधन हुआ है, एक शक्ति भाव में बंधन हुआ है, तो दूसरी तरफ भाव में अभिनंदन हुआ है और वचन में अभिनंदन हुआ है। हालांकि तीसरी लाइन भक्ति की आ गई, बहुत अच्छा जवाब था। उस जवाब में यूं मैं न्याय कर सकता हूं कि लज्जित गम भुला दीजिए, फिर जरा मुस्कुरा दीजिए, यूं कब तलक अंधेरों में रहेंगे, बस माँ के दिव्य ज्ञान से एक दीप जला लीजिए। और इस जवाब का, इस सवाल का जवाब बखूबी आया है, इस बात पर बहनों भाइयों एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बस एक बात और, दादा दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से प्रारंभ किया है अपने सवाल के, अपनी अच्छी तर्ज ली है और बड़े अच्छे नाल वादक। मैं सबसे पहले नाल वादकों को, मुकेश जी को तो सुने हैं, आपको मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने एक गीत में बजाया है, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तर्ज आई कि मैं नहीं हूं शराबी, थोड़े पीने में नहीं है खराबी। जैसे ये गीत बजा नाल वादक जी, आपने ऐसा ठेका लिया है, इतना बढ़िया ठेका लिया अपने ढोलक पर, मैं परेशान हो गया कि वो ठेका शराबी गीत आने से हुआ है कि ठेका आप बजाते इसलिए वो गीत शराबी। मैं थोड़ा परेशान हो गया हूं और हमारे संतोष भैया उसका पूरा मजा ले रहे हैं। धन्यवाद, समय बहुत कम है, चलते चलते मैं एक कार्यक्रम हवाले करता हूँ, बस 2 मिनट का समय और चाहूंगा, क्योंकि पहला चक्कर है, उसके बाद हम बीच में नहीं रहेंगे। वैसे भी हम बीच में, हमारा माइक ही नहीं है तो नहीं रहेंगे। मैं पंडित श्री श्री 108 श्री महंत जयराम दास त्यागी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री पुष्पेंद कुमार, बाकी माइक लगाएं भैया, बाकी माइक लगाएं, मैं केवल फिल्मता के आपका काम कर रहा हूँ। और चंद्रकरण जी देखे जरा, वो है कहाँ, माइक ऑपरेटर महोदय है कहाँ, वरना कोषाध्यक्ष जी को कह दीजिए कि 3-4 दिन न मिले, वो आप कोषाध्यक्ष को ढूंढेंगे। श्री पुष्पेंद कुमार
परम सम्मानित श्री पुष्पेंद्र कुमार निर्भय जी महोबा, परम सम्मानित श्री वीरेंद्र नादा जी डेलिया, परम सम्मानित श्री राघवेंद्र मंचला जी, परम सम्मानित श्री हेमंत चंदेल जी ढेकवा, परम सम्मानित श्री रामचंद्र कुशवाहा जी और परम सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह परिहार नालबादक हरिद्वार और समस्त कीर्तन प्रेमीगण सहयोग किया है। बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति, किशन कीर्तन परिवार, सत्संग कीर्तन परिवार, दीक्षित जी कीर्तन परिवार, राधे राधे कीर्तन विचार मंच और आदर्श कीर्तन मंच, जहां इतने सारे मंच हो, जाहिर सी बात है वो कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। यह कार्यक्रम मैं आपके हवाले करता हूं। बस इतना कहते हुए अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिए, बाकी कार्यक्रम आपके हवाले करता हूं कि लेखक ने लेखक का अभिनंदन कर लिया। दयारा माजा जी उस गीत में माला लेकर आए और आपने खुद कहा है कि आप कलम के जादूगर हैं। सैदपुर में मैंने कहा था कि आप कलम के जादूगर हैं, तो लेखक ने लेखक का अभिनंदन कर लिया। आयोजक मंडल ने कार्यक्रम सजा लिया। माँ संतोषी की कृपा से तो मन में संतोष मिलता है, लेकिन संजय भैया माँ संतोषी साउंड सर्विस ने मेरा माइक छीन लिया। माँ संतोषी साउंड सर्विस ने मेरा माइक छीन लिया। आइए अब समय को चाहे न लेते हुए मैं पुनः परमादरणीय क्रांतिमाला संकीर्तन मंडल कानपुर के सभी सक्षम साथियों का अभिनंदन करते हुए, लेखक महोदय का अभिनंदन करते हुए यह कार्यक्रम आपके हवाले करता हूँ। मुकेश बहुआ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुना भी आप लोगों ने सुना क्या पांडे जी बाजा बजाते सम्मानी हमारे चचा आदमी दीक्षित जी को बहुत बढ़िया चरण। हम लोग सोच रहे थे जितना जल्दी निपट जाएगा चरण उतना ही ज्यादा देर लगा दिया आपने। क्या ठेका है जो लेकिन ठीक है, बड़ा चरण है आपका तो देर तो लगेगी। मतदान आपका देर में होता है। जवाब भी सुना है आप लोगों ने, सवाल भी सुना है, जवाब भी बहुत अच्छा दिया है चचा ने, और आप लोगों से तो जवाब मिलना भी चाहिए। हम लोगों से गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपसे ना होगी और ना करते हैं आप ना, ना। तमाम बातें आपने बता दी। ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, ये बंधन तो भाव का बंधन है, सब बढ़िया था। लेकिन चचा गीत में मेरे तीन बंधन हैं, तीनों हनुमान जी से संबंधित हैं। मेघनाथ ने पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी उस बंधन में अपने आप बंध गए। उस बंधन में बंध गए इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। उसका सम्मान किया हनुमान जी ने, लेकिन जिस समय वो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और राजा सुरथ ने उस घोड़े को पकड़ लिया, हनुमान जी लड़ने आए, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अब की बार हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे नहीं। अब की बार हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को निगल लिया और तब राजा सुरथ ने दूसरा अस्त्र यानी रामास्त्र छोड़ दिया। तब हनुमान जी को लगने लगा कि अब उस बंधन से बड़ा बंधन आ गया यानी रामास्त्र का बंधन, तो उस राम के नाम के अस्त्र में रामास्त्र में स्वयं बंध गए। एक बंधन छूट रहा है, दूसरे में खुद को बांध रहे हैं। गाने की विशेषता आपसे नहीं फिसलनी चाहिए। क्या ठेका है बेटे, आप तो चचा हैं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या? मेरे गीत में एक बंधन जिसमें हनुमान जी स्वयं को बंधा ले रहे हैं, फिर उसी को निगल ले रहे हैं। दूसरे बंधन में रामास्त्र में बंध गए, अब की बार ना रामास्त्र ना ब्रह्मास्त्र। जब उन बच्चों ने बांधा तो केवल राम के उस वरुणास्त्र में बंध गए और राम के नाम को जान गए कि बच्चे उनके हैं, तो वो ममता के बंधन में बंध गए। गीत में केवल इतना था, लेकिन अब आपने सब अच्छा है और सब ठीक है ठाक है। पहले गाने में मैं शराबी नहीं। क्या ठेका है गुरु, कह रहे थोड़ी सी पीने में खराबी नहीं। अरे कौन मना कर रहा, ज्यादा पियो चाचा, ना ना पैसा आपका है, जिंदगी आपकी है। ना, गंदी बात। चलिए
आइए प्रयास कर रही हूँ जवाब का, और निवेदन करूंगी चाचा कि जो जवाब दे रही हूँ हालांकि आपने कहीं कोई जगह छोड़ी नहीं, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे रचनाकार बैठे हैं। हमारे चाचा पूनम आजाद जी के पिताजी भी यहाँ बैठे हैं, स्वयं एक सक्षम कलाकार हैं, रचनाकार हैं, और भी बड़े अच्छे अच्छे लोग, और इनका बहुत बड़ा मंडल है जो लिखते हैं वो जानते हैं कि दीक्षित जी ने कहीं जगह नहीं दी है। केवल आप पांच नारियों में रहते, पांच कुंवारियों में रहते तो हम आपको पुरुषों से जवाब दे देते ब्रह्मचारी, लेकिन अब आपने सब माठा बना दिया है, और क्या क्रांति माला क्या करे, और क्या फिर भी हम लोग हाईवे से निकलते हैं। चलो आइए प्रयास करते हैं। गीत की धुन कह रही है क्या के उठ गई महफिल ये जो वीडियो कैमरा केस वाले चला है बहुत पीता। चलिए चाचा आपने जगह नहीं छोड़ी है, फिर भी बच्चों का प्रयास देखिए। आप बार बार कहते हैं कि बच्चा समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा, कोई गलती हो जाए, मैं यहाँ पर मेरा बचपना गुजरा है, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, कोई गलती हो जाए बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। आपको तो ये बच्चा समझकर क्षमा कर देंगे, लेकिन जब बच्चों के आगे पप्पा गलती करे तो कौन क्षमा करेगा, ये बताओ। भगवान मालिक है बेटे, ये तो क्षमा कर देंगे। आप इनके सामने खेले ये लेकिन हम तो आपकी गोद में खेले हैं, तो हम कैसे क्या करेंगे। चाचा आपको क्षमा कर देंगे। सुनिएगा जवाब, मैं बहुत लंबा जवाब देने का प्रयास नहीं करूंगी, क्योंकि जवाब थोड़ा हो लेकिन हो जाए, बढ़िया बढ़िया हो, अच्छे अच्छे गीत हो जाए, क्योंकि हाँ भैया ने हमारे बताया यहाँ कीर्तन कलाकार ज्यादा है, जनता कम है, रचनाकार आयोजक श्रोता और अच्छे श्रोता ज्यादा है, इनको कीर्तन से लगाव है, बाकी भीड़ इकट्ठा तो बहुत जगह हो जाती है। सुनिएगा के जन्मे करुणा आयन Thank you.
जल में करुणा आयन लगा शिव जी का मन। वही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ के मन में आया प्रभु राम के दर्शन कर लिए जाए, लेकिन ये दर्शन सुलभ कैसे हो। कैसे? दोनों ज्योतिषी का रूप बनाकर पहुंच गए काम भुषुंड जी और भगवान भोलेनाथ। माता कौशल्या अपने लाल को गोद में लिए हैं प्रभु राम को। भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी का रूप बनाकर भगवान श्री राम के पैरों की रेखाएं देखने लगे और उन चरण चिन्हों को देखकर बताया कि हे देवी, हे राजा दशरथ, तुम्हारे पुत्र की रेखाएं बता रही कि इनको 14 वर्षों का वनवास होगा। भगवान श्री राम समझ गए कि ये जो मेरी रेखाएं बता रहे हैं ये कोई और नहीं, इन्हीं का तो मैं नाम लेता रहता हूँ, ये मेरा नाम लेते रहते हैं। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, अगर ये राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाएगा तो आप भी पीछे नहीं रहेंगे, आप भी हनुमान बनकर मेरी सेवा में 14 वर्षों लगे रहेंगे। और वही चले आए, वही हनुमान आए, लेकिन अब ब्रह्मचारी तो हैं। देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम परेशान मत हो, अगर मैं उस युग में राम की सेवा में लगा रहूंगा तो तुम ही मेरी पूंछ बनकर आ जाओगे। बस जवाब वही से है कि जन में करुणा आयन लगा शिव जी का मन, तो नारी संग आगमन लिया वानर का तन। इन्होंने तो वानर का तन लिया, लेकिन दूसरी जगह एक और मिले, परशुधर की अगन तो जानते सभी जन। क्या सभी जन? ये कौन है? कौन है? परशुधर की अगन जानते सभी जन, धार धार रमा संग में है, धार रमा संग में है, करते जिसमें दमन। परशुधर यानी परशुराम जी, परशुराम जी जो फरसा लिए हैं, उनके फरसे में जो धार है वो कोई और नहीं, वो ये है रमा। रमा, वो रमा नाम की नारी उनके साथ रहा करती है। तो धार रमा संग में है, करते जिससे दमन। तो लिखना पड़ा दोनों तरफ के गदाधारी भी है, एक तरफ हनुमान है के गदाधारी भी है और परशुधारी भी है। एक तरफ गदाधारी है, एक तरफ परशुधारी है के गदाधारी है, गदाधारी भी है, परशुधारी भी है। तो ब्रह्मचारी मगर संग में नारी, लेकिन दोनों के संग में नारी है। अब एक नारी ऐसी ले रही वो जो आज तक है, त्रेता युग से कलयुग तक है, वो नारी आप सोच नहीं पाए नहीं, उसको भी गा देते आप। तो देखिए चाचा बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, किसी दूसरे कलाकार के सामने गा देना, वो मर जाएगा बेचारा, फिर वो कुछ नहीं गाएगा। कथा हमने सुनी ग्रंथों से जो चुनी, कथा हमने सुनी और ग्रंथों से जो चुनी, तो नारी त्रिकुटा थी जो, नारी त्रिकुटा थी जो कहते हैं ऋषि मुनि। वही नारी त्रिकुटा, वही त्रिकुटा इंतजार करती रही भगवान राम को पाना चाहती है, लेकिन प्रभु ने कहा कि हे देवी, हे देवी, मैं इस युग में त्रेता में
में तो तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन जब कलयुग आएगा तो उसी कलयुग में तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें अपनाने आऊंगा। और वो कौन है के भक्ति है भा गई, कृपा है पा गई, के भक्ति है भा गई, कृपा है पा गई। और वही देवी दुनिया जानती है, वैष्णो देवी वो बन के धरा में आ गई। वैष्णो देवी जो आज भी जम्बू में बैठी है, भगवान राम का इंतजार कर रही है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, हम सभी बच्चों की, हम सभी बच्चों की महातारी भी है। हम लोग आज भी उसको माँ कहते हैं, जबकि उसका विवाह नहीं हुआ। तो हम सभी बच्चों की महातारी भी है, तो ये कुंवारी भी है, ये कुंवारी महातारी भी है, वही कुमारी भी है। हम सभी बच्चों की महातारी भी है, कि ऐसी कुमारी है, महातारी भी है, महातारी भी है। दोनों है ना, और ये छोटी बहन हमारी पिंकी राजपूत जी, आपने कीर्तन में पदार्पण किया है और आप सीख रही हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ईश्वर करे आप बड़े से बड़े मंचों पर जाएं, और मेरा स्नेह है आशीर्वाद का, आशीर्वाद तो बड़े बुजुर्ग देते हैं, लेकिन मेरा स्नेह, मेरा हृदय से आपसे लगाव है। परमात्मा से कामना कर रही हूँ, जिन जिन मंचों पर क्रांति माला नहीं पहुंची, वहां आप पहुंचे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। 101 मुद्राएं और एक पुष्पमाल बिटिया पिंकी की तरफ से है, ढेर सारा स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, नमन है, धन्यवाद। हम सभी बच्चों की महातारी भी है, तो ये कुंवारी भी है।